आपको बता दें, मामला हाथरस जिले थाना कोतवाली सासनी क्षेत्र के इगलास रोड स्थित पानी की टंकी के पास दो आवारा सांडों में लड़ाई हो गई। लड़ते लड़ते हुए दोनों आवारा सांड कुएं के पास पहुंच गए। उसी बीच एक सांड 40 फीट गहरे कुएं में जा गिरा। कुएं में गिरे सांड को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन ग्रामीण सांड को कुएं से बाहर निकालने में असफल रहे। इसके बाद ग्रामीणों ने 40 फीट गहरे कुएं में गिरे हुए सांड की सूचना फोन से फायर ब्रिगेड को दी। सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुएं में गिरे हुए सांड को करे की मदद से रेस्क्यू कर कुएं से बाहर निकाल लिया। नारायण सिंह, ये क्या घटना हुई है? ये सुबह सुबह दो बाजार लड़ रहे थे आपस में, तो एक नीचे गिर गया कुएं में अंदर। तो कैसे निकाला गया? ये पुलिस के द्वारा। पुलिस के द्वारा? हाँ जी। आप लोगों ने पुलिस को सूचना दी? हाँ, 100 नंबर पर पुलिस को सूचना दी थी। ये कौन सी जगह है जहाँ पर ये निकाला गया? ये इगलास रोड लोहरा में आता है, पानी की टंकी। तो कितनी देर में निकाल दिया? ये 1.5 घंटा हो गया। रेस्क्यू करते करते? हाँ, उनका वेट करते करते जो आदमी।